आप देख रहे हैं मोहर्रम 2023 पलोत्रा राजस्थान। हमारे साथ है मोहर्रम लाइसेंसी हाजी अब्दुल रहमान साहब और मुस्लिम समाज बलोत्रा के सेक्रेटरी महबूब भाई सिंधी। ये मोहर्रम का त्यौहार जो हर साल अपने जो निर्धारित रूट से निकलता है, इस बार जो है यहाँ मोमडन ग्राउंड के अंदर रखा गया है। इस बार जो है मोहर्रम का जुलूस बरसात का मौसम देखते हुए एक साल के लिए हमने अगले साल जो है वो अगले साल के मौका और बरसात के मौसम देखते हुए आगे का निर्णय समाज द्वारा लिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार हम लोग चले, मतलब ये एक साल के लिए टेम्परेरी आपने ये निर्णय टेम्परेरी किया गया। आप सभी जो देख रहे हैं मुस्लिम समाज ने जो निर्णय लिया आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए मोमडन ग्राउंड में मोहर्रम का पूरा फंक्शन कंप्लीट यहाँ कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में आप सभी लोग देख रहे हैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ और अब तक हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के कीर्तन यहाँ आकर अपने अपने हाजिरी दी है और तमाम अखाड़ेबाज और हमारे बेहतरीन ढोल बजाने वाले जो विशेषकर महारत हासिल है उन लोगों ने शानदार अपना आयोजन किया है। और इसके लिए जो मुस्लिम समाज ने यह निर्णय लिया कि आगामी वर्षा ऋतु देखते हुए इस वर्ष जो ये मोहर्रम का त्यौहार मोमडन ग्राउंड में रखने का कार्यक्रम किया गया था उसके सिलसिले में भी ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन इस शानदार प्रांगण में हो रहा है। और आप जो देख रहे हैं जो लाइटिंग व्यवस्था है, जो विशेषकर जो महिलाओं के बैठने के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, पुरुषों के बैठने के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं और हमारे अखाड़ा के जो खिलाड़ी बंधु है उनके लिए विशेष अलग स्थान निर्धारित किया गया है। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए एक शानदार मैसेज जा रहा है प्रशासन के सामने भी और स्थानीय आवाम के सामने भी कि इस निर्णय की शानदार प्रशंसा आवाम कर रही है, वो सबके लिए ये एक बेहतरीन कार्यक्रम है हम मानते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आप देख रहे हैं मोहर्रम जो यहाँ पर मोमडन ग्राउंड बलोत्रा के प्रांगण में यहाँ पर जियारत के लिए अकीदतमंदों के लिए रखा गया है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।